हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, ये अपनी जॉर्जिया देश के बारे में नंबर 3 वीडियो है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने बताया था कि आप जॉर्जिया का वर्क परमिट, जॉर्जिया में बिजनेस और जॉर्जिया में टूरिस्ट वीज़ा पर कैसे आ सकते हो। और आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जॉर्जिया में अगर आप घूमने के लिए दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ आना चाहते हो तो जॉर्जिया कैसी कंट्री है और जॉर्जिया में घूमने के लिए कौन कौन सी जगह अच्छी हैं। दोस्तों, जॉर्जिया आने के लिए मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ और इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ कि आपको किसी एजेंट के सहारे की ज़रूरत नहीं है। जॉर्जिया एक बहुत अच्छा और सस्ता देश है। यह एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और शिक्षित हैं, जो विदेशी लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। दोस्तों, जॉर्जिया का इंडियंस के लिए ई वीज़ा है, जो आप अपना खुद अप्लाई कर सकते हो, जिसकी फ़ीस मात्र 20 $20 होती है। दोस्तों, वीज़ा आने के बाद आपको टिकट, होटल बुकिंग और ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, वो आप अपना खुद बुक कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी फ्लाइट लेकर इंडिया से जॉर्जिया घूमने के लिए अच्छे से आ सकते हो। दोस्तों, आपके पास घूमने के लिए थोड़ा सा पैसा होना ज़रूरी है, वो आप $USD या यूरो में भी करवा सकते हो। दोस्तों, जॉर्जिया आने के बाद जैसे ही आप जॉर्जियन इमिग्रेशन क्लियर करके बाहर निकलते हो तो ये ध्यान से सुनने वाली बात है, आप जैसे ही इमिग्रेशन क्लियर करके बाहर निकलते हो तो आपको बहुत सारी टैक्सी दिखाई देंगी। तो दोस्तों, अगर आपको अपना टूर पैकेज सस्ता और अच्छा बनाना है तो आप एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर होटल तक मत आइए। एयरपोर्ट से 37 नंबर बस जो तिबलिसी सिटी सेंटर तक आती है, उसका किराया दोस्तों इंडियन रुपीज़ में 12 रुपीज़ बनता है, 12 रुपये बनता है। और दोस्तों, होटल तक आने के बाद अगर आप जॉर्जिया के किसी भी टूरिस्ट पैलेस पर घूमने के लिए जाना चाहते हो तो आप टैक्सी का सहारा मत लीजिए, वो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपका टूर पैकेज सस्ता और अच्छा बने। दोस्तों, आप किसी भी जॉर्जिया के टूरिस्ट पैलेस पर घूमने के लिए जाना चाहते हो और जहाँ पर भी आप तिबलिसी में ठहरे हुए हो, जिस भी होटल या हॉस्टल में आप हो, वहाँ से आप मेट्रो स्टेशन पर जाइए। मेट्रो स्टेशन पर जाने के बाद आप मेट्रो में बैठकर दीदुबे मेट्रो स्टेशन पर जाइए। दीदुबे मेट्रो स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो वहाँ से आपको जॉर्जिया में जितना भी टूरिस्ट पैलेस है वहाँ के लिए आपको मिनी बसेज मिलेंगी। मिनी बस को जॉर्जिया में मसूदका भी बोलते हैं। उनका किराया दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का 500 से 600 रुपये ही होता है। अगर आप तबिलिसी से जॉर्जिया के किसी भी कोने में अगर मिनी बस लेकर घूमने के लिए जाना चाहते हो तो 500 से 600 रुपए ही किराया बनेगा। और दूसरी बात दोस्तों, घूमने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे टूरिस्ट पैलेस हैं, जैसे बरजोमी, पाकुरियानी, बातुमी, तिबलिसी, गोरी, इस प्रकार आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं जॉर्जिया में सिम कार्ड की। अगर आप एयरपोर्ट पर उतरने के बाद एयरपोर्ट से सिम कार्ड खरीदते हो तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप जॉर्जिया में आने के बाद तिबलिसी में बाज़ार में से सिम कार्ड खरीदो, वो आपको सस्ता और बेहतर मिलेगा, उससे आपका थोड़ा सा पैसा सेविंग हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर 3 प्रकार के सिम कार्ड यूज होते हैं, जियोसेल, बिलाइन और मगती। तो आप कोई भी सिम कार्ड चूज कर सकते हो। दोस्तों, सिम कार्ड खरीदने के बाद आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके साथ में छोटे बच्चे हैं तो आपको मेट्रो या मिनी बस में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना येंडेक्स टैक्सी बुक कर सकते हो। जॉर्जिया में येंडेक्स टैक्सी चलती है,
जैसे अपने इंडिया में ओला और ऊबर चलता है। तो दोस्तों इससे आपका ये फ़ायदा होगा, इससे भी आपका दो पैसा बचेगा। और दोस्तों अगर आप जनवरी फरवरी मार्च में जॉर्जिया घूमने आना चाहते हो तो यहाँ पर आप अच्छा स्नोफॉल का नज़ारा ले सकते हो और अच्छा इंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप जून जुलाई अगस्त सितंबर में घूमने के लिए आना चाहते हो तो आप यहाँ पर अच्छा इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर बातुमी जो तबलिसी के बाद जॉर्जिया की दूसरे नंबर की सिटी है, वहाँ पर ब्लैक सी समुंदर है, आप वहाँ पर अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे पब बार डांस क्लब नाइट क्लब और कजिनो हैं, वहाँ पर भी आप अपना इंजॉय कर सकते हो। दोस्तों जॉर्जिया में क्राइम रेट बिल्कुल ज़ीरो है, यहाँ पर कानून बहुत अच्छा है। तो दोस्तों जॉर्जिया आने के लिए सिर्फ यही ध्यान रखो कि किसी एजेंट का सहारा मत लो। अगर आप बिजनेस पर्पज़ पर जॉर्जिया आ रहे हो या टूरिस्ट पर्पज़ पर जॉर्जिया आ रहे हो या काम करने के लिए जॉब करने के लिए जॉर्जिया आ रहे हो तो आप किसी एजेंट का सहारा बिल्कुल मत लो, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद जाएगा। दोस्तों एजेंट लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं लेकिन बाद में सिर्फ नुकसान और पछतावा ही होता है। तो दोस्तों अपना खुद करो, और जॉर्जिया के बारे में अगर और आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपका उसको अच्छे से और सच्ची इन्फॉर्मेशन के साथ जवाब दूंगा। चलो ठीक है दोस्तों, अब बाय बाय, मिलते हैं किसी ऐसे ही अगली वीडियो में। जब तक साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में बने रहिए। और दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही आपको अच्छी वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेशन किसी भी देश के बारे में मिलती रहे। इससे दोस्तों बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा। अगर आप वीडियो को शेयर करते हो तो काफ़ी लोगों का फ़ायदा होगा, लोग एजेंटों से बचेंगे और उनका पैसा बर्बाद होने से बचेगा। तो दोस्तों आप जॉर्जिया में आओ, अच्छे से इंजॉय करो बिना किसी एजेंट के कम पैसों में। अगर आपका कम बजट है तो ये यूरोप की एक बहुत अच्छी कंट्री है, जो आपके पास घूमने का काम करने का या बिजनेस करने का बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। चलो ठीक है दोस्तों। Ocean is far too wide.